ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे MTBF को. MTBF मींस मेन टाइम बिटवीन फेलियर. इसको अगर सिंपलीफाई करें, एवरेज टाइम बिटवीन टू फेलियर्स, यानी कि किसी भी दो फेलियर्स के बीच में जो प्रोडक्शन रन हुआ है, कोई भी इक्विपमेंट हमारा रन हुआ है, तो वो जो टाइम है जो स्मूथ रहा है उन दो फेलियर के बीच में, उसको हम मीन टाइम बिटवीन फेलियर कहते हैं. अब समझ लेते हैं MTTR. MTTR मींस मीन टाइम टू रिपेयर. इसको अगर सिंपलीफाई करें तो एवरेज टाइम टू रिकवर एनी सिस्टम, यानी कि कोई भी फेलियर हुई, उस फेलियर होने के बाद एंड उसको रिकवर करके वापस जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो वो जो टाइम है फेलियर से और रिकवरी तक का, दैट इज कॉल्ड मीन टाइम टू रिपेयर. इसको और सिंपलीफाई अगर करें तो एवरेज टाइम टू रिपेयर एनी फेल्ड डिवाइस, यानी कि कोई भी फेलियर हुआ, उसको रिपेयर करने में जो टाइम लगा है वो हमारा मीन टाइम टू रिपेयर है. फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के थ्रू MTTR और MTBF को अगर समझे, तो ये एक प्रोसेस है, ग्रीन कलर में एक प्रोसेस है. एंड फ्रेंड्स, ये यहाँ पर स्टार्टअप है. स्टार्ट अगर हमारी प्रोसेस होती है, देन फर्स्ट फेलियर यहाँ पर आता है हमारा. तो जो रेड कलर का ड्यूरेशन दिख रहा है, ये हमारा फेलियर टाइम है. एंड देन उसके बाद फिर हमारी प्रोसेस स्टार्ट हुई है, देन उसके बाद फिर फेलियर आया एंड देन प्रोसेस स्टार्ट हुई है. अब अगर ये देखें रेड कलर के पोर्शन को देखें, तो ये रेड कलर का पोर्शन जहाँ पर की हमारी फेलियर आई है, यहाँ पर हम फेलियर को रिजोल्व कर रहे हैं. ओके, देन ये प्रोसेस जो स्टार्ट होती है, तो फ्रेंड्स ये जो पहली फेलियर है, देन ये एक सेकंड फेलियर है. इन दोनों के बीच का जो टाइम है, इसको हम क्या करेंगे, मीन टाइम बिटवीन फेलियर. एंड सेम अगेन, ये जो रेड कलर का पोर्शन है MTTR है, इसकी अगर फॉर्मूले की बात करें, MTBF इज इक्वल टू नेट अवेलेबल टाइम अपॉन नंबर ऑफ फेलियर्स. अब MTTR के फॉर्मूले को अगर समझने की कोशिश करें, तो MTTR इज इक्वल टू टोटल रिपेयर टाइम अपॉन नंबर ऑफ फेलियर्स. नाउ एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे और कैलकुलेट करेंगे MTBF एंड MTTR. एग्जांपल को पहले समझ लेते हैं. अ पाइप बेंडिंग मशीन हैव 10 आवर फॉर मशीन ऑपरेटिंग एंड देयर इज 4 टाइम फेलियर अकर्ड एंड टोटल फेलियर टाइम इज 1 आवर. अब इस एग्जांपल में जो भी डेटा है उसके थ्रू हम MTBF और MTTR को कैलकुलेट कर देते हैं. फर्स्ट MTBF को अगर देखें, फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया है, MTBF इज इक्वल टू नेट अवेलेबल टाइम अपॉन नंबर ऑफ फेलियर्स. इसको कैलकुलेट करते हैं. अब ये नेट अवेलेबल टाइम जो है वो कैसे निकला है, 10-1 मींस टोटल जो मशीन के पास टाइम था अवेलेबल मशीन को रन करने का, वो 10 आवर था, बट 1 आवर जो था फेलियर टाइम है. टोटल जो फेलियर हुई है हमारी 4, उनमें जो टोटल टाइम लगा है, दैट इज कॉल्ड 1 आवर. तो नेट अवेलेबल टाइम हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल हमारे पास शेड्यूल टाइम है या शिफ्ट टाइम है या शिफ्ट लेंथ है, उसमें से हम अपने ब्रेकडाउन टाइम को या फेलियर टाइम को माइनस करेंगे, उसको माइनस करेंगे, देन हमारा नेट अवेलेबल टाइम निकल जाएगा एंड नंबर ऑफ फेलियर्स हमारी कितनी है, 4. इसको अगर कम्प्लीटली कैलकुलेट करके देखें, तो 2.25 आवर जो हमारा MTBF है, इसको यू भी कह सकते हैं. एवरेज फेलियर इज अकरिंग एट एवरी 2.25 आवर, यानी कि हमारा जो मशीन है या हमारा जो प्रोसेस है, उसमें एवरी 2.25 आवर पे फेलियर होती है. ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं MTTR को. MTTR इज इक्वल टू टोटल रिपेयर टाइम अपॉन नंबर ऑफ फेलियर. अब इसके फॉर्मूले में डेटा अगर फिट करें, तो MTTR इज इक्वल टू 1 आवर, यानी कि टोटल रिपेयर टाइम. टोटल रिपेयर टाइम कितना है, टोटल फेलियर टाइम कितना दिया है, 1 आवर. तो टोटल रिपेयर टाइम 1 आवर डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स इक्वल टू 4, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं 0.25 आवर. इसको इस तरीके से कह सकते हैं, एवरेज टाइम ऑफ 0.25 आवर रिक्वायर्ड फॉर ए रिपेयर, यानी कि हमारे सिस्टम में जो भी फेलियर हो रही है उसको रिपेयर करने में हम एवरेज 0.25 आवर लेते हैं. फ्रेंड्स, MTBF एंड MTTR बोथ आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ आवर सिस्टम. सो MTBF क्या शो करता है हमारे सिस्टम में, MTBF मेजर हाउ लॉन्ग द इक्विपमेंट रनिंग विदाउट एनी इंटरप्शन, यानी कि हमारा इक्विपमेंट विदाउट इंटरप्शन, विदाउट फेलियर, कितना मैक्स टू मैक्स चल सकता है. ऐसे अगर MTTR की बात करें, MTTR मेजर हाउ क्विकली वी कैन मेक द इक्विपमेंट फंक्शन अगेन, यानी कि कोई भी फेलियर अगर हमारे सिस्टम में आती है, तो कितना क्विकली हम उसको रिजोल्व कर पा रहे हैं. अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम MTBF और MTTR को इम्प्रूव कर सकते हैं. MTBF की पहले बात करें, MTBF शुड बी हाई एंड MTTR क्या होना चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट, हमेशा कम होना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, MTBF को हाई रखने के लिए क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, उनको देख लेते हैं. प्रॉपर मशीन मेंटेनेंस थ्रू एस्टेब्लिश बेसिक कंडीशन को एस्टेब्लिश करना है. प्रिवेंशन ऑफ मशीन डिटोरेशन को प्रिवेंट करने के एक्शन लेने हैं. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है. एडिक्वेट ट्रेनिंग देनी है ऑपरेटर्स को. एस्टेब्लिश एडिक्वेट कंट्रोल्स. MTTR को कम से कम रखने के लिए क्या एक्शन हो सकते हैं, ऑटोमेटेड फेलियर डिटेक्शन सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसको कि ऑटोमेटिक ही कोई फेलियर होने वाली है, तो हमें पहले प्री डिटेक्ट हम उसको कर पाए, सो दैट कि कोई बड़ा ब्रेकडाउन ना हो. एस्टेब्लिश प्रॉपर स्पेयर पार्ट रिपेयर शेड्यूल
जो स्पेयर पार्ट रिपेयर करने हैं उनके भी प्रॉपर शेड्यूलिंग के थ्रू हम करें, ऐसा नहीं कि ब्रेक डाउन हो देन करें। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स जो चाहिए उनकी अवेलेबिलिटी को भी प्रॉपर मैनेजमेंट हमें उसका करना है। काइजन टू इम्प्रूव स्पेयर पार्ट्स लाइफ स्पैन, और काइजन करने हैं कि कोई भी स्पेयर पार्ट के लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ाया जा सके, एंड एडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव स्पेयर पार्ट रिप्लेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको MTBF एंड MTTR के मीनिंग के साथ साथ उनकी कैलकुलेशन भी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और किस तरीके से हम MTBF को बढ़ा सकते हैं या MTTR को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए भी जो एक्शन प्लान आपके साथ डिस्कस किया, आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन आंसर पेज। आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया है, उसे देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, के अकॉर्डिंग ए CNC मशीन हैव 22 आवर फॉर ऑपरेशन इन अ डे, बट मशीन वॉज रिपोर्टेड 3 टाइम्स फेलियर एंड द टोटल फेलियर टाइम वॉज 2 आवर। तो इस डेटा के बिहाफ पे हमें MTTR कैलकुलेट करना है एंड MTBF कैलकुलेट करना है। दोनों के लिए 3-3 ऑप्शन दिए हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड उसको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करना है। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक टू इम्प्रूव अवर ट्यूटोरियल क्वालिटी, एंड इफ यू गेट इन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर वीडियोस, सो प्लीज लाइक एंड ऑल्सो शेयर इन योर सर्किल, एंड वी विल बैक सून विद अ न्यू टॉपिक इन अवर TPM सीरीज। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड कीप वॉचिंग अवर चैनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मैन्युफैक्चरिंग।